दोस्तों आज हम बात करने वाले इंडियन आइडल 12 के बेहतरीन सिंगर निहाल टारो के बारे में। दोस्तों निहाल कई सारे रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट कर चुका है। निहाल एक म्यूजिकल परिवार से है। इनके पिता एक कोय मास्टर थे। आज निहाल जिस मुकाम पर है ये उन्होंने खुद अपनी मेहनत से हासिल किया है। आज निहाल ने इंडियन आइडल 12 के टॉप 9 कंटेस्टेंट में अपनी जगह बना ली है और जीत की ओर अपना कदम बढ़ाते जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आइडल के टॉप कंटेस्टेंट निहाल टारो की लाइफस्टाइल के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको निहाल टारो की कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आप शायद ना जानते हों। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आप निहाल टारो के फैन हैं तो इस वीडियो को कर दें लाइक। सबसे पहले बात करते हैं इनकी बायोग्राफी के बारे में। निहाल का रियल नेम निहाल टारो है और निकनेम निहाल है। प्रोफेशन से एक सिंगर हैं। निहाल का जन्म 21 फरवरी 2000 को मूद बद्री कर्नाटका में हुआ और 2021 के हिसाब से 21 ईयर्स के हो चुके हैं। निहाल के पिता एक कोई मास्टर थे, लेकिन वो अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर सके और वो अभी एक प्राइवेट बैंक में जॉब करते हैं। लेकिन इनके पिता बहुत ही अच्छे राइटर और कंपोजर थे और अपने पिता को देखकर निहाल को भी बचपन से ही म्यूजिक में आने का शौक हुआ। बात करें इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो ये अभी बैचलर ऑफ कॉमर्स में ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अब बात करते हैं निहाल के करियर के बारे में। दोस्तों निहाल एक मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखते हैं। निहाल को बचपन से ही सिंगिंग का काफी ज्यादा शौक था, इसीलिए उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ सिंगिंग की ट्रेनिंग भी लेना शुरू कर दी थी। निहाल ने कई सारे रियलिटी शोज में भी पार्टिसिपेट किया है। निहाल ने जी कनंदा के रियलिटी शो सारेगामापा सीजन 15 में पार्टिसिपेट किया, जिसमें वो फाइनलिस्ट भी बने। वो इस शो को जीत तो नहीं पाए, लेकिन छोटी सी उम्र में काफी ज्यादा पॉपुलरिटी हासिल कर ली। इसके अलावा निहाल दाईजी वर्ल्ड स्टूडियो वाइस का भी टाइटल अपने नाम कर चुके हैं। निहाल ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना डेब्यू 2019 में प्री मेरी पद्मनी के सॉन्ग ना हुड़को नाले से किया। निहाल ने ना सिर्फ भारत में बल्कि कतर, बहरेन और कुवैत जैसे देशों में कई म्यूजिकल स्टेज शोज में भी परफॉर्म किया है। इसके अलावा निहाल ने कई सारे म्यूजिकल एल्बम और टीवी सीरियल के टाइटल सॉन्ग भी गाए हैं, जिनमें कुतुम्बा, गिनी रामा और यारी वालू शामिल हैं। और 2020 में इन्होंने इंडियन आइडल सीजन 12 के लिए ऑडिशन दिया और सिलेक्ट भी हो गए, और आज इन्होंने अपनी मेहनत और शानदार सिंगिंग की वजह से इंडियन आइडल के टॉप 9 कंटेस्टेंट में अपनी जगह बना ली है और हर हफ्ते इनकी सिंगिंग भी बेहतरीन होती जा रही है। इनकी शानदार सिंगिंग के देश भर में लाखों फैंस बन चुके हैं और इन्हें इंडियन आइडल का विनर भी बने हुए देखना चाहते हैं। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको निहाल की सिंगिंग कैसी लगती है। दोस्तों अब बात करते हैं इनकी फैमिली के बारे में। तो इनके फादर का नाम हेराल्ड टारो है, इनकी मदर का नाम प्रिसिला टारो है और इनके एक छोटे भाई भी हैं जिसका नाम निशान टारो है। बात करें इनकी गर्लफ्रेंड की तो इनकी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अब बात करते हैं निहाल के घर के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, निहाल का अपना घर मूड बद्री कर्नाटका इंडिया में है, जहां वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, जैसे कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं इनका घर। अब बात करते हैं इनकी कार कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इनके पास एक टोयोटा इनोवा क्रिस्टा कार है जिसकी प्राइस है 16 लाख रुपीज। इसके अलावा इनके पास कावासाकी Z900 बाइक है जिसकी प्राइस है 8 लाख रुपए। अब बात करते हैं इनकी सैलरी के बारे में। तो दोस्तों ये एक शो करने के लिए 3 लाख रुपए लेते हैं। वहीं बात करें इनके नेटवर्थ के बारे में तो इनका नेटवर्थ है 45 लाख रुपीज। तो दोस्तों ये थी निहाल टारो की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आप निहाल के फैन हैं तो इस वीडियो को कर दें लाइक। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। और आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक पे चाहते हैं।